हम हैं खड़े छपरा जंक्शन स्टेशन पर, ये बगल में है राजकीय रेल थाना। आज अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि प्रायः आप भारतवर्ष के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो दो तरह का आपको थाना मिलेगा। एक मिलेगा रेल राजकीय रेल थाना, एक मिलेगा RPF। आप कन्फ्यूजन में पड़ते होंगे क्या कि GRP किसको कहते हैं, RPF किसको कहते हैं। हम आपके चैनल से बताते हैं ये GRP है, ये स्टेट किसी भी अगर स्टेशन पर या जिस राज्य में होगा उस राज्य का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि बिहार में खड़े हैं, ये बिहार राज्य के कंट्रोल का केस है, इसके DGP आपके होंगे बिहार के DGP। यहाँ पर उसी तरह का FIR जो दर्ज होता है, जो IPC के तहत जो दर्ज होते हैं, या IPC यानी इंडियन पेनल कोड में जो भी ऑफेंसेस होंगे ये दर्ज होगा रेलवे थाना। इसका एक अपना इसका अलग क्षेत्र होता है, ये इसका जुडिक्शन एक जंक्शन इधर एक जंक्शन उधर के बीच की दूरियां, यानी कि रेलवे ट्रैक पर जो रनिंग जो ट्रेन जो चलती हुई रनिंग ट्रेन है या प्लेटफॉर्म हो गया या जो भी रेल परिसर में जो भी वारदातें होंगे उसका FIR होगा इस रेलवे थाना में। लेकिन वही अगर रेलवे ट्रैक पर अगर कोई दो आउटर सिग्नल के बाहर अगर वहाँ कोई रन ओवर केस हो, कोई कट जाए अगर, तो उसका FIR होगा लोकल थाना में, यानी स्थानीय लोकल थाना जो पड़ेगा उसकी जिम्मेवारी इनकी नहीं होगी। यानी कि शॉर्ट में रनिंग जो ट्रेनें से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे से रिलेटेड परिसर का जो GRP का होगा वही सब रेलवे के जो भी होंगे वो थानादार करेंगे। कई जगह जंक्शनों पर इंस्पेक्टर रैंक इंचार्ज होते हैं, कई जगह SI रैंक होते हैं। यानी हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहा कि आप यहाँ कैसे मुकदमा दर्ज करेंगे कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई इसी तरह का आपका लिफ्टिंग हो जाए, चोरी हो जाए, क्राइम हो जाए, तो वैसे केसों का रिपोर्टिंग इसमें होगा रनिंग ट्रेन में। और दूसरी बात, इस तरह से कई तरह का जो भी रेल परिसर में जो घटनाएं होंगी वो सभी तरह की घटनाएं आपको दर्ज होगा रेलवे थाना में। चलिए हम वापस होते हैं, अब आपको बताएंगे इसी स्टेशन पर एक RPF होता है, उस RPF के बारे में बताएंगे। जय हिंद।